बेवफा महबूब से सिगरेट अच्छा है, जिगर जलाता है पर लबों पे तो आता है। लगाओ जाम। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। लख जी लानत होना छोरा, सिगरेट की तुम एडवर्टाइज ऐसे कर रहे हो जैसे सिगरेट की कंपनी तुम्हारे बाप की हो। अरे बाबा आपको पता नहीं है सिगरेट पीने वाले जो है वो टीवी पे भी दिखाते हैं, बड़े बड़े जानबाज होते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, फखर की बात है सिगरेट पीना। हाँ अंकल, बड़े बड़े काम करने वाले जानबाज भी सिगरेट का कश लगाते हैं। तुम जो सिगरेट पीते हो, जो जहर पीते हो, उसके डब्बे को कभी देखा है? इधर जो मैं दिखाऊं, ये जो टीवी पे आते हैं ना, ये कोई जानबाज वानबाज नहीं होते, ये फनकार होते हैं। फनकार पैसों के लिए कुछ भी करते हैं और कुछ भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। अरे बाबा अब छोड़ो इन बातों को, ये लो सिगरेट का कश लगाओ, आपको भी जीने का मजा आ जाएगा। अरे लख जी लानत हो छोरा, तुम पर और तुम्हारे सिगरेट पर। अरे आंखें खोल के देखो, अल्लाह ने तुमको आंखें दिए, देखो ये कौन सा मर्ज है, इसको बोलते हैं मुंह का कैंसर। अल्लाह माफी दे बाबा, ये जिसको होता है तौबा तौबा। अंकल ये सिर्फ बातें हैं, हकीकत में कुछ नहीं है ऐसा। कहते हैं लगी न होए तो लगी वालिया नू पूछ। पाकिस्तान में मुंह का कैंसर इतना बढ़ गया है, ये कैंसर मुंह का कैंसर जो है वो पान गुटका छालिया और मैनपुड़िया इनके खाने से ये मुंह का कैंसर बढ़ता है, इसीलिए तो हुकूमत वक्त ने इस पर पाबंदी भी लगा दी है। अरे बाबा आप भी ना, कैसी पाबंदियाँ, ये पाबंदियाँ वाबंदियाँ कुछ नहीं होती, सिर्फ ये रेट बढ़ाने का चक्कर होता है। अरे हुकूमत का जो काम है हुकूमत कर रही है पाबंदी लगाकर, बाकी सोचना हमको है कि हम इस जहर को खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, तो ये बेचने वाले भी खुद ही तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अरे बाबा सिगरेट पीना आजकल कोई बुरी बात नहीं है। बेटा लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और तुमको ना सुबह शाम मेरे जूते का मुंह दिखाना पड़ेगा, फिर तुम सुधरोगे। देखो जूते का मजाक मत करना। नहीं बेटा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सुबह शाम तुमको इस जूते का मुंह दिखाऊंगा ना, फिर तुम सुधरोगे। अरे भाग भाग।